हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने अच्छे से अच्छे रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो चलिए आज हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए और बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हमने रवा सैंडविच ढोकला बनाया है। इसकी पूरी वीडियो फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे आप देख सकते हैं। ये ऑयल फ्री खाना है और काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, तो आप हमारे चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए फ्रेंड। और जो लोग नए आए हैं प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर विजिट कीजिए एक बार। आज हम रवा सैंडविच ढोकला बनाएंगे। सैंडविच ढोकला की रेसिपी हमने पहले भी बहुत सारे अपलोड किए हुए फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ अलग तरह का बहुत ही टेस्टी और काफ़ी इजी मेथड से आपको बताने वाली हूँ। ये फटाफट बनने वाली रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे। बाउल में अपने जितनी बनानी है उस हिसाब से क्वांटिटी आप लीजिए। मैंने यहाँ पे एक बाउल इस तरह का रवा लिया है, आप कोई भी रवा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमने एक बारीक वाली जो रवा है उसका यूज किया हुआ है, एक बाउल लिया हुआ है। इसमें मैं दही डालूंगी, ये फ्रेश दही है, खट्टी दही नहीं होनी चाहिए। अगर खट्टा होगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बाउल हमने रवा के साथ दही भी ऐड कर दी हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ हरी सब्जियां लिया है, जिसमें कि एक गाजर ली हूँ, इसे डाल दूंगी। स्टफ बनाने वाले हैं तो थोड़ा सा गाजर मैं बचा के रखूंगी, आगे मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज करेंगे। ये कैबेज है, ये इस तरह का रेड कैबेज आता है, पर्पल कलर का। ये नहीं भी है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सब्जियां पसंद करते हैं उसे डालिए, लेकिन ये ध्यान रखना है जो सब्जी मेल्ट हो जाती है जैसे शिमला मिर्च हुआ, बैंगन हुआ, ये सब ना डालें। तो इसमें हम थोड़ा सा कैबेज ऐड करेंगे जिससे कि बहुत अच्छी कलर भी आएगी और टेस्ट भी आएगा अच्छा। थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसमें हम ये हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च को भी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा हमने बचा के रखा है, इन सबको साइड में रखते हैं, आगे आपको बताएंगे कि कैसे हम यूज करने वाले हैं इसको। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को क्रश करके भी आप ले सकते हैं। इन सबको हमें मिक्स करना है। इन सबको इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे, इसको अच्छा सा एक बैटर हमें बना करके रेडी करना है। तो पानी उसी हिसाब से डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पानी ना डालें, ज़्यादा पानी हो जाने से फिर ये पतला हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये अभी इतनी थिक है, तो इसमें और थोड़ा पानी ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसे हम कम से कम 5 मिनट्स के लिए इसी तरह से सोक करके छोड़ दूंगी, ताकि जो रवा है वो अच्छे से फूल जाए। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि इतना ये थिक है, इतना ही थिक होना चाहिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि ये अभी इतना थिक है, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद जब रवा पूरा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो और ये थिक हो जाएगा, तो फिर हम उस समय पानी और ऐड करेंगे। अभी हम टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं और इन सबको मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए इसे हम छोड़ देते हैं।
ये 5 मिनट्स हो गया है ढक के रखा हुआ। अब हम देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस काफी थिक हो गई है ये इस तरह का। तो इसे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जस्ट आप जैसे इडली बनाते हैं तो इडली से इसकी घोल जो है थोड़ा थिक रहेगा, जिससे कि अच्छा सा ये ढोकला आपको रेडी मिलेगा। तो देखिए ये इस तरह का तैयार हो गया और काफी कलरफुल भी दिख रहा है ना। तो ये जब बनकर रेडी होगा तो टेस्टी भी होगा और काफी कलरफुल भी दिखेगा। आप इस तरह से बनाकर बच्चों को टिफिन में भी आप फटाफट दे सकते हैं। अब हम इसमें फ्रूट्स और इनो ऐड करेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच इनो ऐड किया है हमने और इसे थोड़ा सा एक्टिवेट होने के लिए 2-4 बूंद पानी ऐड करूंगी और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ज्यादा हमें नहीं मिक्स करना, नहीं तो ये जो बबल्स आ रहे हैं वो बैठ जाएगा, वो अच्छे से फ्लपी नहीं होगा। तो वन साइडेड आप इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। काफी अच्छा सा ये फ्लफी घोल तैयार हो गया। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूंगी, जब ये प्रोसेसिंग आप स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, तो उससे पहले आप इस तरह का एक स्टीमर तैयार कर लीजिए। आपको जिस तरह से स्टीम करना है, हमने वहां पे स्टीम कर लिया है। और एक ट्रे लेंगे, ट्रे है या थाली है, जिसमें आपको बनाने में आसान हो उस तरह का लीजिए। हमने इसको लेकर के ग्रीस कर लिया है पहले और इसमें इसको फील कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, और काफी हेल्दी भी है, ऑयल फ्री भी बोल सकते हैं खाना। इसमें ऑयल बिल्कुल अभी तक तो हमने यूज नहीं किया है और आगे भी हम आपको पूरी रेसिपी मेरी आप देखिए, मजा आ जाएगा इस तरह का रेसिपी खाकर। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनेगी। तो इसको हम हल्के हाथों इस तरह से टैप कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे जो हमने स्टीमर तैयार किया है, अच्छा सा देख सकते हैं कि पानी इसमें बॉयल हो गया। इसको इस तरह से डालकर 5 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट्स के बाद इसकी फ्लेम अभी हाई है और 5 मिनट इसी तरह से हम स्टीम होने देंगे। जब तक ये स्टीम होता है तब तक हम अगला प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं स्टफिंग का। तो ये हमने आलू लिया हुआ है, बॉयल आलू। एक आलू को हमने बॉयल करके इस तरह से मैश कर ली हूं। एक बाउल में शिफ्ट करना है इन आलुओं को। ये बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर ट्राई कीजिए, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ फ्रेंड्स। अब हम इसमें धनिया पत्ता ऐड करेंगे, हरी मिर्च, ये कैबेज जो रखा है वो डाल दूंगी, ये गाजर। इन सबको डालने के बाद यहाँ पे हमने कुछ सूखे मसाले पाउडर फॉर्म में लिए हुए हैं। धनिया पाउडर 1 पिंच हमने लिया हुआ है, बोल सकते हैं आधी छोटी चम्मच से भी कम। गरम मसाला आधी छोटी चम्मच से भी कम हमने गरम मसाला लिया हुआ है। ये लाल मिर्च पाउडर है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके आप ले सकते हैं। ये हल्दी है, 1 पिंच सिर्फ हमने हल्दी टेस्ट के लिए और थोड़ी सी कलर अच्छी आ जाए इसके लिए हमने लिया हुआ है। तो इन सब मसालों को इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम नमक ऐड करेंगे, जितनी मेरी क्वांटिटी है उस हिसाब से टेस्ट के अनुसार नमक ऐड करना है। और ये जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बचा के रखा हुआ था इसे भी हम ऐड कर देंगे। और इन सबको मिक्स करके अच्छा सा स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये अच्छा सा मसाला मिक्स हो गया है, इसको हम ढक करके इस तरह से ढक के साइड में रख देते हैं। और इधर 10 मिनट्स हो गए फ्रेंड, इसकी लीड को हटाएंगे और देखेंगे ये काफी अच्छा सा फूल करके रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया है, ये थोड़ी सी भाप लग गई। इसको निकाल करके
और इसे ठंडा होने के लिए कम से कम 10 मिनट्स के लिए इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक का वेट करेंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा फिर हम आगे का काम करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, एकदम ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया ये फ्रेंड। तो अब हम इसके चारों तरफ के एजेस को इस तरह से रिलीज कर दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी रेसिपी है फ्रेंड। एक इस तरह का प्लेट लेंगे, प्लेट पे इस तरह से पलट दूंगी और टैप करते हुए इसे निकाल देंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये फ्लफी बनकर के रेडी हुआ है ना, काफी फ्लफी सा, एकदम ही सॉफ्ट सॉफ्ट और फ्लफी। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने साइज के हिसाब से आपको जिस तरह का चाहिए फ्रेंड उस तरह से आप इसको बनाइए। बहुत ही मजा आने वाला है इस रेसिपी में, बनाने में भी। अब इसको हमने चार पीस में कट कर ली हूँ। एक पीस को उठाऊंगी, देखिए कितना अच्छा कैबेज का कलर और गाजर का भी कलर बहुत ही सुंदर और काफी अच्छा देखने में आया है, ये देखने में लग रहा है। अब हम इसको बीच से इस तरह से कट कर लूंगी। सैंडविच बनानी है तो कट तो करना पड़ेगा इस तरह से। इसी तरह हम सारे को इस तरह से दो पीस में, बराबर पीसों में काट करके रेडी कर लेते हैं। सारे पीस हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब हम पीस को उठाएंगे और ये जो हमने स्टफिंग तैयार किया हुआ है इस तरह से लगा दूंगी। स्टफिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड कि आपको ज्यादा स्टफिंग अच्छा लगता है या आप किस तरह से खाना पसंद करते हैं, तो आप उस तरह से आप स्टफिंग लगाइए। मैं थोड़ा ज्यादा ही लगा रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी सी रेसिपी है, ऑयल फ्री भी है। तो इस तरह से हमने पूरे पे इस तरह से अप्लाई कर लिया है। करने के बाद थोड़ा सा इसमें हम इस तरह से गाजर का स्लाइस डाल दूंगी, थोड़ा सा कैबेज का भी, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे आप स्किप भी कर दीजिए। इस तरह से डालने के बाद दूसरा जो साइड है हमने जो इसे कट करके लिया है इस तरह से इसको हल्के हाथों पुश करके रेडी कर लूंगी। जो साइड से निकल के आया है उसे भी दबाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह हम चारों को रेडी करके रखते हैं। इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें आप एक चीज का क्यूब लीजिए और इस तरह से इस पे ग्रेट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने तीन को ऐसे ही बनाया सिंपल, एक में हम चीज को थोड़ा सा ग्रेट करके डाल के और इसे बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह देखिए हमने चीज को इस पे अप्लाई कर दिया है, फैला दी हूँ, हल्का सा पुश कर दूंगी। इस तरह से फैलाने के बाद थोड़ा सा इस पे इस तरह से गाजर का, थोड़ा कैबेज का, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता। ये सैंडविच बहुत ही अच्छा लगेगा। इस तरह से हल्के हाथों पुश करते हुए इसे सेट कर देंगे। इधर हमने तवा गरम होने रखा है, गरम हो चुका है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा भी डाल करके रखी हूँ। इसमें एक दो हमने हरी मिर्च ली है, इसको बीच से हमने थोड़ा थोड़ा चीरा लगा दिया है, कट कर दी हूँ। इस तरह से हमें भून लेना है। साथ में हमने यहाँ पे राई ली है, इसे भी इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा राई को क्रैकल करने देंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगेगा जब आप इस तरह से सैंडविच को बनाओगे, मजा आने वाली है रेसिपी में। थोड़ा सा हमने कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको भी इसमें डाल दूंगी।
उन सबको हल्का सा हमें क्रैकल कर लेना है। अभी गैस की फ्लेम एकदम ही स्लो हमने रखा है, हाई फ्लेम में नहीं करना है। क्रैकल होने के बाद इन सब चीजों को मैं निकाल लूंगी। कड़ी पत्ते और हरी मिर्च जो है उसको मैं निकाल दूंगी इस तरह से। राई जो थोड़ा बच गया है इसी में हम इसी तरह छोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पे कड़ी पत्ते और हरी मिर्च को निकाल लिया है, साइड में रखेंगे। और ये जो हमने सैंडविच जो बना कर रखी हूँ इसे हल्के हाथों इस पे रख दूंगी और हल्का सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा इस तरह से रख करके कि बहुत ही जल्दी और काफी अच्छी सी रेसिपी है। इस तरह से हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, इस तरह बढ़िया सा। बहुत टेस्टी लगने वाली रेसिपी है फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, इस पे थोड़ा ऊपर से ऑयल अप्लाई कर दूंगी इस तरह से, जिससे कि दोनों साइड अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। और इसे फ्लिप कर दूंगी, बहुत ही सावधानी से करना होगा। और इस तरह भी हमें हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये काफी अच्छा सा देख सकते हैं कि एकदम ही रेडी हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे हम निकाल लेते हैं। कितना अच्छा सा कलर आया है, एकदम ही क्रिस्पी सा, बहुत ही बढ़िया ये सैंडविच बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड। तो इसे आप अपने मन चाहे चटनी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस रेसिपी पे में। ये बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर ट्राई करके देखिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए। बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी रेसिपी बन करके रेडी हो गई। लग रही है ना टेस्टी देखने में, और खाने में तो है ही ये टेस्टी फ्रेंड। तो इस तरह से आप सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही टेस्टी सी सैंडविच बन करके हमारी रेडी हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज फ्रेंड जरूर बताइए। अगर हमारी रेसिपी में किसी तरह की अगर कोई कमी आपको दिखती है फ्रेंड, वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं उस चीज को जरूर जरूर फॉलो करूंगी कि हमारी रेसिपी में क्या ऐसी कमी है करके। अब हम इस पे जो मिर्ची और ये सब जो फ्राई करके रखा था इसके साथ हम ऐसे सर्व कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी जो कि देखने में काफी अच्छी और टेस्टी लगेगी। थोड़ा सा कैबेज भी इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। मुझे तो ये रेसिपी फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है, आपको कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे रेसिपी चैनल पे आप और क्या देखना पसंद करते हैं वो भी हमें बताइए, मैं ट्राई करूंगी आपकी डिमांड्स को पूरा करने का। तो ये हमारी रेसिपी बन करके रेडी हो गई, बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी लग रही है ना ये रवा सैंडविच ढोकला। इसे आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।